फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप मेरी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी चाहते हो तो बेल आइकॉन को प्रेस करो। वेलकम टू विपुलास किचन। फ्रेंड्स, आज हम बड़ौदा की फेमस आइटम जो सेवउसर होता है वो बनाने वाले हैं। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सेवउसर बनाने के लिए मैंने ये एक कटोरी मटर लिया है जो मैं सुबह से सोक करूंगी, और रात डिनर में हमको ये उसर बनाना है तो सोक करके रखूंगी, और रात को मैं उसमें मीठू नमक और हल्दी डाल के प्रेशर कुक कर दूंगी। उसर की मेन जो चीज होती है वो तरी होती है, तो तरी बनाने के लिए मैंने ये इतना हाफ 1/4 कटोरी गार्लिक लिया है। इसमें 2 टीस्पून में जीरा डाल के उसको क्रश कर दूंगी। अभी और पैन में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसको ज्यादा गर्म नहीं किया है, और गर्म किए बिना ही उसमें मैंने मीडियम हॉट पैन पे ही चालू करके उस पे सौते कर दूंगी। अभी इतना हो जाएगा तब मैं गैस को बंद करके उसे धीमी आंच बंद कर दूंगी और उसको सौते मतलब हिलाते जाऊंगी, और जैसे ही ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा तभी मैं उसमें 3 टेबल स्पून चिली पाउडर और संचर डालूंगी। हमारा जितना गार्लिक होता है उसके सामने उतना ही उसमें चिली पाउडर हमको ऐड करना है, और जो गर्म होगा तभी हम डाल देंगे, तो हमारा जो चटनी का जो कलर आएगा वो थोड़ा काला हो जाएगा। तो थोड़ा टेम्परेचर जब डाउन हो तभी उसमें चिली पाउडर ऐड करना है हमें, तो इस बात का ध्यान रखना। अभी हमको जितनी तरी चाहिए उतनी क्वांटिटी हम पैन में रखेंगे, और बाकी की जो चटनी है हम बाहर दूसरे बाउल में हम ले लेंगे, क्योंकि ये चटनी हम 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, और तरी जो बनाते हैं उसमें पानी ऐड होता है तो वो 1 वीक तक ही फ्रिज में रहती है। तो इसके लिए मैं ये चटनी को निकाल के फिर तरी बनाने के मुझे जितना चाहिए उतना सामग्री ही पैन में रखूंगी। अभी मैं उसमें पानी और संचर डाल के तरी को अच्छे से सेट कर लूंगी। और ये तरी आप फ्रिज में 1 वीक तक रख सकते हो। देखो, हमको ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, तो पानी ऐड करके हम इतनी पतली हो तब तक उसे अच्छे से मतलब बना देंगे। आप देख सकते हो हमारे तरी का कलर बहुत अच्छे से आ गया है, इसमें तीखापन और लहसुन की फ्लेवर होती है जो हमें उसर में चाहिए। देखिए फ्रेंड, हमारी तरी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। अभी हमारा तरी बन गया है तो गैस बंद कर देंगे। अभी ये मटर भी अच्छे से पका दिए है मैंने, और दाना बहुत ज्यादा नहीं पकाया है, उसका लुक अच्छा है, इस तरह से पकाया है। अभी उसर बनाने के लिए मैंने पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। गैस चालू करके मैं जीरू और हींग का तड़का लगाऊंगी। मैं 1 टीस्पून जीरू और 1/4 टीस्पून हींग का तड़का लगा रही हूँ। अभी ये जब हो जाएगा तब मैं 1 मीडियम साइज का अनियन को उसमें सौते कर लूंगी। हमारा उसर फ्रेंड्स ज्यादा तीखा नहीं होना चाहिए, उसमें चिली हम संभाल के ऐड करेंगे, क्योंकि तीखापन हमको तरी में से ही लाना है। तो इसमें अभी हम 1/2 टीस्पून चिली गार्लिक की चिली जिंजर की पेस्ट और 1/4 टीस्पून गार्लिक की पेस्ट ऐड करेंगे, जो बहुत कम है। उसर खट्टा थोड़ा होता है और गरम मसाला की फ्लेवर वाला होता है, तो यही हमको बनाना है, और तरी में से हमको लहसुन की फ्लेवर और तीखापन ऐड करना है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, संचर ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। पानी ऐड करेंगे, ये बहुत गाढ़ा नहीं होता है, लिक्विड ही होता है। अभी इसमें हम ड्राई मैंगो पाउडर ऐड करेंगे,
बाहर जो टेस्ट होता है उस इसका ऐसा ही आपको टेस्ट लाना है, तो ड्राई मैंगो पाउडर यूज करना है, टमाटर यूज मत करना। तो 1 टेबल स्पून हम ड्राई मैंगो पाउडर ऐड कर रहे हैं, पानी रेड़ के उसकी कंसिस्टेंसी सेट कर देंगे। ये बहुत गाढ़ा नहीं होता है, पतला ही होता है, क्योंकि ऊपर से जब हम सेव डालेंगे तो ये ज्यादा ठीक हो जाता है, तो ये बात ध्यान रहे। अभी 1 टेबल स्पून या इससे थोड़ा ज्यादा आप ले सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। उसमें सेव सरका मसाला ऐड करेंगे और उसे 5 मिनट धीमी आंच पर उसे पकाएंगे। देखो ये हमारा पक के रेडी हो गया है और उसका कलर भी पूरा चेंज हो गया है। तो अभी ये सर्व करने के लिए रेडी है, तो हम गैस बंद कर देंगे और उसमें धनिया ऐड करेंगे और फिर हम सर्व करेंगे। आप देख सकते हो हमने बहुत लिक्विड जैसा बनाया है, गाढ़ा नहीं है बिल्कुल भी। अभी हम उसमें जो तरी बनाई हुई है, अभी मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। धनिया ऊपर से हम थोड़ा अनियन ऐड करेंगे, और ये सब चीज आप अपने अपने हिसाब से ले सकते हो। अभी मैं सेव ले रही हूँ ऊपर से, आप चिवड़ा चाहे तो मिक्स चिवड़ा जो आता है वो भी ऐड कर ले सकते हो। अभी मैंने पाव और ये जो तरी बनाई है उसके साथ में सेव कर रही सर्व कर रही हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।